नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PS कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, यदि आप एक CSE भेल हैं अर्थात कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, या आप कोई भी जन सेवा केंद्र चलाते हैं और आप आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड प्रिंट करते हैं, तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों जेल जाना पड़ सकता है, क्या कारण है, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। आप जरूर वीडियो पूरा देखें और समझें, नहीं तो वास्तव में आपको जेल जाना पड़ सकता है यदि आप आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड प्रिंट करते हैं तो। लेकिन इससे पहले, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से CSE की पल पल की खबरें मिलती रहती है, तो जो भी सरकारी योजना होता है उसके बारे में सबसे पहले आपको जानकारी मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि आखिर जनसेवा केंद्र चलाने वाले व्यक्ति को क्यों जेल जाना पड़ सकता है। दोस्तों, यदि आप कोई जनसेवा केंद्र चलाते हैं, यानी कॉमन सर्विस सेंटर्स कोई भी चलाते हैं, और आप प्रिंट पोर्टल के माध्यम से आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर का आईडी कार्ड प्रिंट करते हैं, तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। तो आपको ये जानना होगा कि प्रिंट पोर्टल क्या है जिससे आप प्रिंट करेंगे तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। दोस्तों, प्रिंट पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जो आपको फेंक आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर कार्ड प्रदान करती है। जैसे आप YouTube पर बहुत सारा वीडियो आपको देखने को मिल जाता होगा जिसमें यह बताया जाता होगा कि बिना मोबाइल नंबर लिंक का आधार कार्ड डाउनलोड करें, बिना एड्रेस का या बिना नाम का आप वोटर कार्ड डाउनलोड करें, बिना मोबाइल नंबर का या बिना आधार नंबर का पैन कार्ड डाउनलोड करें, ऐसा बहुत सारा आपको वीडियो मिलता होगा। इसमें क्या किया जाता है, आपको अगर कहा जा रहा है कि बिना मोबाइल नंबर लिंक का आधार कार्ड डाउनलोड करें, तो उस वीडियो में एक लिंक दिया जाता है जिससे आपको एक पोर्टल इंस्टॉल करना होता है, एक पोर्टल लेना होता है जो 500 या 100 रुपये में पोर्टल मिल जाता है। उस पोर्टल के माध्यम से आप क्या करते हैं, उस लिंक के माध्यम से उस वेबसाइट पर जाते हैं और बिना मोबाइल नंबर लिंक का आधार कार्ड डाउनलोड करते हैं। तो जो आधार कार्ड आता है आपका, वह फेक आधार कार्ड होता है और रियल आधार कार्ड नहीं होता है। और यदि आप कोई वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करते हैं तो भी क्या होता है, फेक वोटर आईडी कार्ड उस प्रिंट पोर्टल के माध्यम से मिल जाता है जो वहाँ पोर्टल दिया जाता है। अगर आप पैन कार्ड डाउनलोड करते हैं और उस पैन कार्ड पर जो QR कोड आता है उसको स्कैन करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि वो फेक पैन कार्ड बन रहा है। तो ऐसा गलती आप ना करें। यदि कोई पोर्टल दिया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि इस पोर्टल के माध्यम से आप बिना मोबाइल नंबर लिंक का आधार कार्ड डाउनलोड कर लेंगे, तो आधार कार्ड तो डाउनलोड होगा लेकिन वो फेक आधार कार्ड होगा। वैसा ही कहा जाए कि बिना आधार कार्ड लिंक का पैन कार्ड डाउनलोड करें, तो पैन कार्ड तो डाउनलोड होगा लेकिन वह पैन कार्ड बिल्कुल फेक होगा। और इस पोर्टल से यदि आप डाउनलोड करते हैं और कस्टमर को दे रहे हैं, तो आप पर तुरंत कार्रवाई होगी और आपको जेल जाना पड़ सकता है। तो कभी भी प्रिंट पोर्टल के माध्यम से आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर कार्ड प्रिंट ना करें, अन्यथा बहुत ही बड़ा जुर्माना लग सकता है, आपको जेल जाना पड़ सकता है। तो ये एक सूचना देना था। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भेले साथियों।